ये बताइए, ये जो हालात इस वक्त बने हैं, कोई एक सिंगल जिला इस वक्त नहीं है जहां पर किसानों को लंबी कतार में नहीं लगना पड़ रहा, उसके बाद भी पूरे दिन भर के बाद उनको खाद नहीं मिलती है, और बगल में कोई न कोई प्रबंध वहां पर किया गया है जहां पर खाद मिल रही लेकिन डबल रेट पर मिल रही है। प्रदेश के किसान इस वक्त यही पूछ रहे हैं कि बताइए, या तो हम खेती छोड़ दें, और अगर खेती करें तो फिर राम भरोसे। सर देखिए, पूरे बिहार में फर्टिलाइजर कहीं उपलब्ध नहीं है। महंगा और सस्ता का तो अलग विषय है। आप पूरे बिहार में फर्टिलाइजर आखिर गया कहाँ? केंद्र सरकार कह रही है मैंने फर्टिलाइजर भेजा, बिहार सरकार कह रही है मुझे फर्टिलाइजर नहीं मिला, और बिहार के किसान को समझ में नहीं आता कि हुआ क्या। सवाल यह है कि मैं पहले भी बताया हूं कि बिहार में फर्टिलाइजर माफिया सक्रिय हैं। नेपाल बॉर्डर और बांग्लादेश बॉर्डर दो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत सरकार और राज्य सरकार के अधिकारी मिलकर के विदेशों में तस्करी करवा देते हैं फर्टिलाइजर का। और जो कह रहे हैं कि मिल रहा है, वो शायद ही किसी को मिल रहा है फर्टिलाइजर, वो 600 हो, 800 हो, 900 है, कई जगह पे कई आरोप हैं किसानों के, और किसानों के आरोप से मैं सहमत हूं कि फर्टिलाइजर नहीं है। नहीं सर, सवाल तो यही, फिर तो ये व्यवस्था कैसे, चूंकि आप मुखर हैं किसानों को लेकर, किसानों की बातों को लेकर, क्या बिहार के किसान अब इस भरोसे पे रहे कि नहीं मिलने वाला है? सरकार यहाँ की कह रही कि केंद्र सरकार से जितना कोटा मिलना चाहिए था वो तो मिला नहीं, लेकिन सवाल प्रबंध कैसे किया जाएगा? फिर इस बात को लेकर हम हामी भर ले कि नहीं मिला तो फिर अब सारी चीजें चौपट हो गई, होने दीजिए। नीतीश कुमार जी चाहते ही नहीं कि बिहार के किसानों के पक्ष में कोई बात करे या कोई काम हो। मैंने फाइल कृषि मंत्री के तौर पे मैंने फाइल में लिखा था कि ऑफ सीजन में जो फर्टिलाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है उसको हम प्री पोजिशनिंग कर सकते हैं अपने सरकार के वेयर हाउस में, और उसके लिए नोडल एजेंसी बना दिया जाए बिस्कोमान को, क्योंकि बिस्कोमान पहले ही से फर्टिलाइजर के व्यापार में है। उसके पास वेयर हाउस भी बिहार में है, उसके पास बेचने के लिए सेल्समैन है। केवल पैसे की थोड़ी व्यवस्था करना था, और दूसरा था कि एक हमको गवर्नमेंट का ऑर्डर जाता कि आप प्री पोजिशनिंग कर लीजिए, लेकिन आप मुझे मंत्री पद से इस्तीफा दिए करीब 3.5 महीने हो गए, यह आज तक आदेश लागू नहीं हुआ। कितने मनबढ़ू अधिकारी हैं इस राज्य में कि मंत्री के आदेश को कूड़ेदान में फेंक देते हैं। यही नीतीश कुमार का सुशासन का मॉडल है बिहार में, और जिससे पूरे बिहार की जनता त्रस्त है। आप लोग जो रिपोर्ट दिखा रहे हैं वो 100% सही रिपोर्ट दिखा रहे हैं। लेकिन सर अगर